सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। विकास लाइव टॉक में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आज हम आए हैं पोल्ट्री के फार्म पे। पोल्ट्री यानी कि जो है जहाँ पे मुर्गियां अंडा देती है। तो हमारे साथ आज सर हैं, आज हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहे, आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है और ये सोहेल पोल्ट्री फार्म है। तो ये बांदूखेड़ी में, ये बांदूखेड़ी जो है सर, पूरा आप एक बार एड्रेस बता दीजिए। ये गंगो रोड बांदूखेड़ी, सहारनपुर गंगो रोड टू बांदूखेड़ी गाँव पड़ता है, 100 मीटर की दूरी पर ऑन रोड। तो जैसे कि सर हम देख रहे हैं, ये आपका जो पोल्ट्री फार्म है, एक पहले सबसे पहले हमारे किसान भाई को ये बता दीजिए कि जो ये मुर्गी पालने वाले सेगमेंट होते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं और आपका कौन से लेवल का, जो ये कौन से तरीके का काम है? देखिएगा, जैसे कि ब्रॉयलर भी पालते हैं, मतलब जो गोश्त के लिए पाला जाता है, मीट के लिए पाला जाता है, दूसरा कड़कनाथ होता है और तीसरा ये वाली ब्रीड आती है। इस ब्रीड का क्या नाम होता है? इस ब्रीड का नाम लोमेन है, लोमेन ब्रीड बनाती है। देखिएगा, ये वेंकीज भी होती है, लोमेन भी होती है, हमारे पास लोमेन, ये लोमेन होती है, लोमेन ब्रीड है। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका से ली गई थी, उस साइड में ही गर्मी कम मानती है। मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं, इनका फार्म जो है इतनी अच्छी तरीके से है कि यहाँ पे इतनी सारी बर्ड्स होने के बाद भी जो है वेदर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है, बहुत अच्छी हवा चल रही है और बहुत अच्छा अंदर जो है इन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है। तो सर, जैसे कि आपकी जो बर्ड्स हैं, ये लगभग कितनी जो है आपकी, ये जो ये यूनिट है, ये कितनी बड़ी होगी? ये 12,000 यूनिट है। 12,000 बर्ड इसके अंदर आती है, 12,000 बर्ड जो है इस टाइम इसमें है। और इस आपकी जो फार्म की स्ट्रेंथ लेंथ है वो कितनी है? 220 फीट 220 फीट चौड़ी है और 50 फीट जो है लंबी है। नहीं, 220 फीट लंबी है और 50 फीट चौड़ी है। जी। तो सर, जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि ये जो आपकी बर्ड्स हैं, ये आप बर्ड्स ही खरीदते हैं या फिर आप जो इनको चिक्स? नहीं, चिक्स खरीदते हैं, कंपनी हमें चिक्स देती है। ये 45 रुपए का चिक्स पड़ता है हमें। ठीक है, और फिर इसे ये 4 महीने के अंदर, यानी कि 120 दिन के अंदर अंडा देना स्टार्ट हो जाता है। जो फिलहाल मेरे पास बर्ड है, ये 123 दिन की बर्ड हो चुकी है। ये 123 दिन की आपकी बर्ड है, मतलब ये अब रेडी है? रेडी है, और कुछ मुर्गी अंडे देना शुरू कर दिया, जैसे की तो ये अपने आप यहाँ से नीचे आ जाता है। ये फीडर है, इसमें फीड खाती है, यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं, ये फीडर है और ये निपल है जहाँ से ये पानी पीती है। ये ऑटोमेटिक, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम किया हुआ है। यहाँ पर एक आदमी मैनुअली फीड डाल देता होगा और पानी ऑटोमेटिक टैंक के थ्रू यहाँ पे आ जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का जो है एग, यहाँ पर मुर्गियाँ देती रहती हैं। तो एक मुर्गी एक दिन में कितने अंडे दे देती है? एक मुर्गी, ये माना जाता है कि एक मुर्गी एक दिन में एक अंडा देगी, लेकिन हकीकत में ये 26 घंटे में एक अंडा देती है। मतलब 26 घंटे में एक अंडा देती है। जब वो 2 घंटे अपने 24 घंटे कंप्लीट कर लेती है तो वो गैप ले लेती है। कहने की बात ये है कि अगर हमारे पास 12,000 मुर्गी या 100 मुर्गी है तो 95 मुर्गी अंडा देगी, 5 मुर्गी अंडा नहीं देगी। तो एक मुर्गी महीने में आने की कितनी बार अंडा दे सकती है? ये मान के चले एक महीने में अगर मुर्गी की बात करें 24, ये मान लीजिएगा 28-29 अंडा दे देती है। एक मुर्गी 28-29 अंडा दे देती है। तो सर, जैसे कि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आप अंडे का काम कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं? ये करीबन 5 साल हो गए से काम करते हुए। 5 साल से जो आप इस काम को कर रहे हैं। हमारा एक फार्म धुराला में भी है। अच्छा, इनका एक फार्म धुराला में है और एक फार्म यहाँ पर है, और एक और यूनिट है, मैं आपको विजुअल्स में दिखा देता हूँ, जो इनके अभी रेडी है। और ये जो है, इस कब तक उनको स्टार्ट करेंगे सर? ये अगले अप्रैल में स्टार्ट करेंगे। अगले अप्रैल तक जो है वो यूनिट भी स्टार्ट करने लग जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा, यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट देखा, साफ सफाई बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी तरीके से जो इन्होंने रखा हुआ है। आप देखेंगे इनके, आप अंडे यहाँ पे स्टोर करते हैं अपने? अंडे हमारा लास्ट में गोदाम है, वो भी दिखा देंगे, जो अंडों का गोदाम है। और इधर स्टोर करते हैं, इधर भी है। तो सिर्फ एक कुछ टाइम के लिए रखते हैं, फिर वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके के ये जो है यहाँ पे ये अंडे होते हैं। तो सर, इनके जो अंडे होते हैं, इनमें कोई साइज में भी फर्क होता है? जी, जो स्टार्टिंग मुर्गी होती है उसका साइज छोटा होता है, और इसकी क्वालिटी, इस बर्ड की क्वालिटी सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो अदर बर्ड्स होती हैं वो 900 ग्राम की तरह देती हैं, मतलब 900 ग्राम की 1000 ग्राम की। जो हमारी बर्ड है वो 1200 ग्राम 1250 ग्राम की पहली तरह देती है। इसका वेट में, ये वेट में अंडा ज्यादा देती है।
तो उसका जो प्रोटीन लेवल होगा वो भी ज्यादा है उसमें। और जबकि जो अदर मुर्गी है वो 1000 ग्राम का अंडा, 1000 ग्राम की पूरी ट्रे देती है, और हमारी मुर्गी देती है 1250 की। तीसरा अंडा इसका पूरा आ जाता है 1500 ग्राम का, मतलब इतना हैवी जो है ट्रे जो है वो 1500-1550 ग्राम की हो जाती है, तकरीबन 1.5 किलो की मान के चले, 1.5 किलो की हो जाती है सिर्फ इसी ब्रीड में। तो सर जैसे कि हम देख रहे हैं आपका पूरा फार्म पूरा कवर्ड है और आपने जो है काफी अच्छी तरीके से बनाया है, अगर हम एक मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की बात करें इस यूनिट की तो कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगा होगा? देखिएगा बर्ड पालने में लोगों का सभी लोगों का तरीका अलग अलग होता है बर्ड पालने में। अच्छा बर्ड की अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी अगर बर्ड की कॉस्ट की बात करूँ, मेरी बर्ड पनी है 1.95 रुपए पर डे, मतलब एक बर्ड जो है आपकी 1.95 रुपए पर डे, यानी कि 100 दिन की बर्ड 195 रुपए में पड़ेगा। जी बस इसके लिए ये है कि इसमें कोई बीमारी ना आई हो, इंडिविजुअल बीमारी ना आई हो। सपोज करो कोक्सी आ जाए तो कोक्सी की दवाई अलग से देनी पड़ती है, या फिर गंभारू आ जाए यानी कि 40 दिन का गंभारू आता है वो ना आए तो वो दवाई का खर्चा अगर हटा दिया जाए तो 195 रुपए की ये 100 दिन की बर्ड खरीदी है। मतलब आपने 45 रुपए की एक बर्ड खरीदी और उसको बड़ा मैच्योर किया तो वो आपको लगभग मोटी मोटी 200 रुपए में, 200 रुपए में पड़ गई है। अब उसमें 45 रुपए भी ऐड हैं, चिक्स की 45 रुपए भी ऐड हैं, यानी कि इसने ये समझ के चले 155 रुपए का हमारा से दाना वैक्सीन वगैरह ली है 155 की, और 45 रुपए का ये चिक्स था, तो यानी कि टोटल मिला के 200 रुपए का ये पड़ा। तो जैसे कि सर जो है हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये बर्ड्स है इनका डेली का जो है कितना खर्चा आता होगा? फिलहाल जो हमारे कट्टे लग रही है 16 कट्टे लग रही है हमारे डेली, 16 कट्टे 12000 मुर्गी होते हैं, 12000 मुर्गी पे पूरे कट्टे की कॉस्ट तकरीबन ये मान के चलिए 1500 रुपए 1600 कुछ रुपए है, यानी कि अगर हम मोटा मोटा 1600-1700 रुपए माने तो 16 कट्टे आपके हो गए आपके लगभग 15 और लगभग 25-26 हजार रुपए की, 25,000 मतलब 25-26 हजार रुपए का आपका जो है ये 250 फीट लंबा जो यूनिट है जिसमें 12,000 बर्ड्स हैं उसका जो है एक महीने एक। और ये भी अब आता है यानी कि इन दिनों में आगे मुर्गी बड़ी होगी, जब मुर्गी छोटी होती है तो 2 कट्टे से स्टार्ट करती है, फिर 3 हो जाते हैं, फिर 4 हो जाते हैं, ये एक एवरेज नहीं कह सकते हम 16 कट्टे रोज लेते हैं, ऐसा नहीं है 16 कट्टे अब ले रही है क्योंकि अब बड़ी हो गई मैच्योर हो गई। तो सर जैसे कि मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको ये जो बर्ड्स हैं अब ये मैच्योर हो चुकी हैं तो ये कब तक जो है आपके लिए सफिशिएंट है अंडा देने के लिए? अंडा देंगी ये 16-17 महीने अंडा देंगी, कम्प्लीट रूप से बढ़िया अंडा देंगी 16-17 महीने, 16-17 महीने तक ये आपको अंडा देती रहेगी और फिर उसके बाद इन्हें सेल कर दिया जाता है पर किलो के लिए सेल कर दिया जाता है जो भी उस टाइम पर रेट होता है, जैसे कि फिलहाल जो रेट चल रहा है वो 50 चल रहा है और ये 1.5 किलो की मुर्गी होगी तकरीबन, तो ऐसा मान लीजिए कॉमन से 75 रुपए की मुर्गी चली जाती है। कहने की बात ये है कि जितना आपने चिक्स खरीदा यानी कि जितने का आपने चिक्स खरीदा उससे 1.5 गुना का आपकी मुर्गी बिक जाएगी, यानी कि आपका चिक्स का पैसा सिक्योर है अगर सब कुछ सही तरीके से हो। तो आप सर बायो सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए भी कुछ करते हैं जिससे कि बीमारी ना आए? ओके सैनिटाइजेशन जी सैनिटाइज करते हैं, मशीन होती है सैनिटाइजेशन, सेफ गार्ड हुआ सेफ गार्ड का स्प्रे कर देते हैं अगर कोई बीमारी ना हो, फिर गीला नहीं रखते नीचे, मतलब गीला मत होना गीला ना, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे बिल्कुल सूखा है तो गीला होगा बीमारी आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। हमारा जो ये फार्म है सर का आप देख रहे होंगे कि नीचे से बहुत ऊंचाई पे है, ये नीचे बेस है आप विजुअल में देख रहे होंगे, तो ये कितनी हाइट पे होगा सर? ये 6 फुट की हाइट पे होता है, 6 फुट ऊंचा जो है ये हमारी यूनिट है और यहाँ पे जो है इस तरीके से किया जाता है और एनिमल जो है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मॉइस्चर नहीं आता है यहाँ पे। तो इसके अलावा सर जैसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपका हर रोज का जैसे इतना बैग लगता है तो कितनी प्रोडक्शन आपकी एक्ट की हो जाती है डेली? मान लीजिएगा ये 12,000 मुर्गी है तो आप नॉर्मल मान लीजिएगा 90% अंडा देती है, तो 90% आपको 12 तकरीबन 10,000-11,000 अंडे देगी आपको हर रोज जो है, रोज 11,000 अंडे मिलेंगे हमें। और अगर हम इनकी बात करें तो आपको कितनी वैल्यू जो है इसकी मिल जाती होगी? अब सेल की बात करें हम तो 11,000 अगर हम अंडे की बात करें तो 55,000 रुपए की हम सेल करते हैं अंडे को, अगर 5 रुपए भी अंडे की कॉस्ट ली जाए तो 55,000 रुपए में हम सेल करते हैं, 20-22,000 रुपए का हमारा खर्चा आता है इस पर, ठीक है, और 1,000 रुपए लेबर खर्च आता है, बाकी कुछ नहीं खर्चा मेडिसिन वगैरह ना, अब मेडिसिन कोई खर्च नहीं आता, मेडिसिन का जो आना था वो आ चुका, वैक्सीन का खर्चा बचपन में आता है। तो जैसे कि अगर सही तरीके से किया जाए तो जब आप अंडे की प्रोडक्शन लेते हैं तो मेडिसिन का खर्चा बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है, बस कुछ लगता है कि वो 100-150 रुपए लीवर टॉनिक का आ जाता है खर्चा, वो तो नॉर्मल खर्चा है, वो आप टैंक में डाल देते हैं, टैंक में वो टैंक जैसे कि आप देख रहे हैं उधर इनका टैंक लगा हुआ है
यहाँ से जो है वो बर्ड जो है पानी पीती है। तो ये जो टैंक है ये कितने लीटर का सर आपका? ये 500 लीटर का है और इसके ऊपर 1000 लीटर का रखा हुआ है, यानी टोटल 1500 लीटर का। और कितना आप डेली कितना भरते हैं? तो रोज भरना पड़ता है? जी रोज भरना पड़ता है। अब ले लीजिएगा, अगर मान लीजिए हमारी मुर्गी 1 टन फीड खा रही है तो इसका 2.5 गुना पानी लेगी। मतलब अगर 1 टन फीड, 1000 किलो फीड खा रही है तो ये समझ लीजिए 2500 लीटर पानी लेगी। तो मोटा मोटा 16 कट्टे हैं आपका, 800 किलो जो है रोज फीड इनका इस फार्म के अंदर लगता है, तो 2000 लीटर के करीब मान के पानी लेंगे। तो सर अगर हम जो है, जैसे कि आपने हमें कॉस्टिंग बता दी कि 50,000 रुपए के आसपास आप जो है इसमें सेल कर देते हैं नॉर्मली, और लगभग 25,000 से 30,000 के बीच में आपका खर्चा आ जाता है, तो इसके अलावा आप हमारे किसान भाई को क्या कहना चाहेंगे कि इस व्यवसाय में इसको एंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए? नहीं, इसमें व्यवसाय में एंटर करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, इसमें ध्यान रखना चाहिए आपका चिक्स कैसे पला। सबसे ज्यादा इसमें अगर कंसंट्रेट रखनी चाहिए तो रखनी चाहिए चिक्स की परवरिश के लिए। आप उसे अच्छा फीड दें और 90-100 दिन तक बहुत अच्छा फीड दें, उसकी ग्रोथ अच्छी करें, उसके बाद उसके आपको प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी देगा बाद में। सर जैसे कि हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें एक आदमी कितनी इन्वेस्टमेंट से काम कर सकता है और आपने कितने इन्वेस्टमेंट से काम किया था? देखिएगा, अगर मैं 12,000 की बात करूं तो मैंने 100 दिन की मुर्गी जो पाली है वो तकरीबन 24 लाख में पाल दी है, तो 24 लाख का हो गया बर्ड बर्ड का खर्चा। और कंस्ट्रक्शन का मान के चल दीजिएगा आप 28 से 30 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन बन जाता है, शेड बन जाता है पूरा 12,000। अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो नॉर्मल आदमी के लिए भी नहीं है, यानी कि कम से कम 50-60 लाख रुपए का बजट लेके चलना पड़ेगा, तब जाके जो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। और नॉलेज की बात करें तो सर आपसे नॉलेज मिल जाएगी सब किसी? जी जी, अगर कोई भी नॉलेज लेना चाहे तो नॉलेज मिल जाएगी और आ भी सकता है फार्म को विजिट करने के लिए, कोई मसला नहीं है। तो इनका जैसे कि आप एड्रेस भी देख रहे हैं, नंबर भी देख रहे हैं, पहले भी मिला था, अब भी आपको दिख गया होगा, तो आप जो है आ सकते हैं, सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आपको सारी की सारी जो है बर्ड की फैसिलिटी, फीड की फैसिलिटी, जैसे कि हम देख रहे हैं फीड जो है बिल्कुल गर्म है। ये आप कौन सी फीड यूज करते हैं सर? ये हमारे पास फीड है श्री कृष्ण कृपा जी। ये कहाँ की सर कंपनी? ये पानीपत से फीड आता है हमारा, और हमारे कमलजीत भाई हैं जो हमें प्रोवाइड कराते हैं फीड। तो जैसे कि जो है ये फीड यूज करते हैं उसके बारे में सारा बता देंगे, तो अलग अलग तरीके की फीड यूज होती होगी इसमें भी? जी नहीं, मतलब अगर हम कंपनी तो अलग अलग है, लेकिन अगर हम उसे पानीपत वाली कंपनी से लेते हैं, श्री कृष्ण कृपा से फीड लेते हैं, तो कम्प्लीट फीड बना के देती है, आप कम्प्लीट ले सकते हैं। फिर 100 दिन के बाद अपना खुद का फीड बना सकते हैं, जैसे कि बाजरा, DRP और पत्थर पाउडर मिला के आप ये बना सकते हैं। आप जो है अपनी इस्तेमाल नहीं करते हैं, कंप्लीट फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा सब कुछ कंपनी ही मिला के देती है। तो ये क्रम फीड है, ये एक तरीके का पैलेट फॉर्म होता है जो कि थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है अपनी बनाई हुई। जी अपनी बनाई हुई। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर के बहुत कुछ है, और सर जो है आखिरी में आप हमारे किसान भाई को कुछ बताना चाहेंगे? एक सबसे बड़ी बात, यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छी है, आप बर्ड देख सकते हैं। एक केज ये सर कितने बाई कितने का होगा जो हम बात करें? तो ये होगा 2x1 का होगा, और इसमें 5 बर्ड का केज है, ये 5 बर्ड जिसमें आ सकती है। तो इसमें सर हम मोर्टिलिटी की बात करें तो डेली में कोई मोर्टिलिटी रेट क्या है इसका? मोर्टिलिटी स्टार्टिंग में चिक्स में ज्यादा मोर्टिलिटी होती है, अब केज में आने के बाद गर्मी में मोर्टिलिटी हो जाती है, अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए तो मोर्टिलिटी हो जाती है, या फिर पानी ना मिले मुर्गी को तो मोर्टिलिटी हो जाती है, वरना केज में आने के बाद कोई मोर्टिलिटी नहीं होती। और अगर हम इसमें जो है सर्दियों की बात करें तो उसमें कैसे होता है? सर्दी में भी हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, अगर हम सर्दी में टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते तो मुर्गी की मोर्टिलिटी के चांस बहुत ज्यादा कम है सर्दी में मोर्टिलिटी के, पर गर्मी में बहुत ज्यादा है। मतलब सर्दियों में कम है? हाँ, गर्मी सर्दी में मुर्गी कम मरती है और गर्मी में मुर्गी ज्यादा मरती है अगर आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, जबकि टेम्परेचर मेंटेन सर्दी में भी करना पड़ता है, टेम्परेचर मेंटेन गर्मी में भी करना पड़ता है। और इसके अलावा सर जो है जैसे कि हम बात करते हैं कि आपका अंडे तो आपने प्रोड्यूस कर लिया है, इसको सेल करने का कैसा प्रोसीजर है और क्या वाकई में जितना मर्जी उतना बिक सकता है? जी जी जी, आप अंडे की सेल बहुत अच्छी होती है, और अंडे की सेल के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप खुद सप्लाई कर सकते हैं अपनी लोकल में, खुद सप्लाई कर लो, अपना ब्रांड बना लो, अपना ब्रांड बना के खुद सप्लाई कर लो, अपना मार्का बना के खुद सप्लाई कर लो। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप किसी ट्रेडर को सारा अंडा अपना सप्लाई कर दीजिए। तो ज्यादा फायदा किसमें होता है सर? अपनी सप्लाई में ऑब्वियसली अपनी सप्लाई में ज्यादा प्रॉफिट होता है, और सेल में कोई परेशानी नहीं? सेल में कोई परेशानी। और पेमेंट का क्या हिसाब रहता है? पेमेंट कैश रहता है,
कोई उधारी नहीं, कोई उधारी नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, अगर कोई इस काम को करना चाहता है तो सही नॉलेज के साथ करना जरूरी है। जी जी, सही नॉलेज के साथ करना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं सर, 5 साल से इस काम को कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। एक यूनिट इनकी और रेडी हो चुकी है, जो अगले साल तक स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वीडियो भी हम अगले साल जरूर बनाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से लाइक किया, शेयर किया तो। और इनका जो दूसरी यूनिट है, अगर आप कहेंगे कमेंट में, तो सर के साथ जाके हम दूसरी यूनिट की भी जो है वीडियो बनाएंगे। बाकी इनका जो हम स्टोर रूम देखते हैं अब इसके बाद, और आप उससे फिर उसके बाद जो है इजाजत चाहेंगे। ये हमारी जैसे कि पहली यूनिट थी, और ये जो है हमारे सर की हम देखते हुए जा रहे हैं कि ये दूसरी यूनिट है। और ये इस तरीके से जो आप देख रहे होंगे, ऐसे जो है ये पोल्ट्री का डिज़ाइन होता है, पता चलता है कि जो है खर्चा किया हुआ है। और जल्दी जो है सर हमारे यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये यूनिट तैयार करी हुई है। ये जो है हमारे सर जो है ये वाली फीड यूज़ करते हैं, और ये वाली फीड इनकी यहाँ पे यूज़ होती है, प्री लेयर क्रम्स। और अब जो है इसके बाद हम सर के जो है गोडाउन पे एक बार चलते हैं और फिर आपसे इजाज़त लेंगे। जैसे कि हम अंडा यहाँ भी रख देते हैं, जैसे कि गर्मी ज़्यादा होती है तो अंडा यहाँ पे स्टोर कर देते हैं गर्मी में, क्योंकि हवा हवा का वेंटिलेशन रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी स्टोरेज वगैरह आराम से हो जाती है, रखा जाता है। जब हवा गर्मी ज़्यादा होती है तो उसे हवा के वेंटिलेशन में रखना पड़ता है। जी जी। और फिर वे गोडाउन बने हुए हैं अंडे के, वहाँ पर गेट में खड़ोगे सब ले लो ये अंडे। ये जो है गोडाउन है, गोडाउन। और ये अपना सर का ऑफिस है, और यहाँ पे जो है जैसे कि हम देख रहे हैं ये इनका पावर प्लांट है इधर की तरफ। जी जी। और ऊपर सोलर लगे हुए हैं, ऊपर इन्होंने सोलर भी लगाए हुए हैं, तो आपका फार्म जो सोलर पे भी चलता है। जी। तो यहाँ लाइट नहीं है, सोलर ही है बस। और साथ में उधर जो है फीड का गोडाउन है जैसे कि हम देख रहे हैं। और ये हमारी जो है वो यूनिट थी, और इस यूनिट से जो है फिर हमें आगे जाके जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें जाना पड़ता है, जिस सर ने गाय भी पाल ली हुई है। तो उम्मीद है जैसे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपने चैनल की भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।